बीकानेर में हाईवे पर दिन दहाड़े सामने आई दहला देने वाली तस्वीर। एक कांग्रेस नेता पर कुछ लोगों ने किया कार पर हमला, बाहर निकालकर बुरी तरह से पीटा। हमले में नोखा कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह गंभीर रूप से घायल, हमलावरों की पिटाई से दोनों पैर में हुआ फ्रैक्चर। डंडों से कांग्रेस नेता मेघ सिंह पर लगातार प्रहार करते रहे हमलावर, पास खड़ी भीड़ बनी रही तमाशबीन। गंभीर रूप से घायल कांग्रेस नेता मेघ सिंह को नोखा के अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। हमले के बाद बुलेरो में सवार फरार हो गए हमलावर, गहलोत सरकार में सरेआम हुए इस हमले के बाद देर रात तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर। भारतीय वायुसेना आज मना रही है 89वां स्थापना दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी वायुसेना की स्थापना। गाजियाबाद इंडियन एयरबेस से आज फाइटर विमान भरेंगे उड़ान, फ्लाईपास पर दिखेगा शानदार नजारा। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। इंडियन में फ्लाईपास में भारतीय सेना के सबसे दमदार विमान राफाल का दिखेगा दमखम, तेज रफ्तार और अचूक वार है राफाल की पहचान। भारतीय सेना के चर्चित फाइटर प्लेन सुखोई का दिखेगा दम, अब भारत में तैयार किया जा रहा है ये रूसी फाइटर प्लेन। आकाश में आज खतरनाक लड़ाकू विमान मिराज की भी गूंजेगी गर्जना, भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस वक्त शामिल हैं 50 से ज्यादा मिराज विमान। पाकिस्तान पर फतेह में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला विमान MiG-29 भी नब में देगा दस्तक, हाल ही में MiG-29 को किया गया है अपग्रेड। आज आसमान में दिखेगा भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस का जलवा, 3000 किलोमीटर है तेजस की मारक क्षमता। फ्लाईपास में अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर दिखाएंगे दमखम, कठिन चुनौतियों के बीच सेना को आपूर्ति में है सक्षम। आज फ्लाईपास में इंडियन के नब पर फहराएगा सबसे बड़ा खादी का तिरंगा। इंडियन एयरबेस पर पैराशूटर ने नब में दिखाए करतब, आकाश में काफी ऊंचाई से लगाई छलांग। दिल्ली में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाने के लिए 17 दमकल गाड़ियों का किया गया इस्तेमाल। अलवर के बानसूर में पाइप की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अलवर में आईपीएल का सट्टा लगाते 2 बुकी गिरफ्तार, 11 मोबाइल और लैपटॉप जब्त। महाराष्ट्र के थाने में 17 टन सेब से भरा ट्रक पलटा, कोई घायल नहीं। यूपी के बाराबंकी में कल हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस ने ट्रक और बस मालिक के खिलाफ दर्ज किया केस, हादसे में 15 लोगों की गई थी जान, 11 लोग हुए थे घायल। देवा थाना क्षेत्र में किसान पथ पर कल हुए हादसे में एफआईआर के बावजूद उठे सवाल, लोग सड़क पर भारी तादाद में आवारा पशुओं की मौजूदगी को मान रहे हादसे की वजह। बाराबंकी में पिछले 2.5 महीने में आवारा पशुओं की वजह से हुए हादसे में 33 लोगों की जा चुकी है जान, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या फिर भी है बरकरार। जनता पर महंगाई की और पड़ी मार, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में डीजल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम अब 92 रुपए 12 पैसे हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी योगी सरकार। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर पर चिपका नोटिस, बेटे आशीष मिश्रा को जांच कमेटी ने किया समन। लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रही कमेटी ने आज सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा को बुलाया, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होना होगा पेश। लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए 2 लोग, पुलिस का दावा दोनों से पूछताछ में मिले कई सबूत। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच, 2 महीने में देंगे रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गिरफ्तारी और आरोपियों पर मांगी गई जानकारी। लखीमपुर खीरी कांड में सामने आया नया वीडियो, प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलती दिखाई दे रही है 3 गाड़ियां, किसानों को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ी थार गाड़ी, घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। लखीमपुर खीरी पहुंची यूपी अल्पसंख्यक आयोग की टीम, पीड़ित परिवार से मुलाकात। लखीमपुर खीरी में जारी है सियासी संग्राम, सहारनपुर में समर्थक नेताओं समेत हिरासत में लिए गए सिद्धू, घंटों बाद पीड़ित से मिलने की मिली इजाजत। लखीमपुर खीरी रवाना हुआ अकाली दल नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली एयरपोर्ट से भरी उड़ान। सहारनपुर में जोरदार बवाल, सिद्धू समर्थकों ने बॉर्डर पर तोड़ी बैरिकेडिंग, एडीजी के साथ धक्का मुक्की।
चंडीगढ़ से लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे सिद्धू, साथ में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम। बरेली में रोके गए हरीश रावत, समर्थकों के बड़े हुजूम के साथ जा रहे थे लखीमपुर खीरी, प्रशासन के मनाने पर लौटे वापस उत्तराखंड के पूर्व सीएम। यूपी बॉर्डर पर राजस्थान कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सीएम योगी का फूका पुतला। लखीमपुर खीरी में जारी है पीड़ितों से सियासी मुलाकात का सिलसिला, बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी। इसकी कही हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बहराई जाते वक्त लखनऊ के काली देवी मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी, विधि विधान से किया पूजा पाठ। बहराई जाते वक्त प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत, जोश में दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। लखनऊ में राजभवन के बाहर धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, योगी सरकार पर निशाना, आज बहराइच में मृत किसानों के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल से लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से की मुलाकात, सतीश चंद मिश्रा ने की अगुवाई। समझौते पर उठ रहे सवालों का राकेश टिकैत ने दिया जवाब, बोले नहीं हुई गिरफ्तारी तो वापस होंगे मुआवजे के पैसे। 10,000 लोगों का फैसला था, ये ना हमारा अकेले का था ना किसी का था, और ये था कि जो गिरफ्तारी का उनको टाइम दिया, उन्होंने टाइम मांगा, वो 8 दिन का मांगा है। हनुमानगढ़ में किसान संगठनों ने कई जगह पर किया चक्का जाम, सोमवार को हुए लाठीचार्ज का विरोध। मुंबई ड्रग्स मामले में आज सुबह 11 बजे होगी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई, जुडिशियल कस्टडी के कोर्ट के फैसले के फौरन बाद दाखिल की गई जमानत याचिका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए शाहरुख के बेटे, कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी की मांग। एनसीबी के दफ्तर में गुजरी आर्यन खान की रात, कोरोना टेस्ट के बिना नहीं भेजे जा सकते जेल। आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया अक्षत कुमार, कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख के बेटे के समर्थन में आए अभिनेता ऋतिक रोशन, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर बहाया बेगुनाहों का खून, आतंकी हमले में 2 स्थानीय लोगों की मौत। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल में आतंकी वारदात, महिला प्रिंसिपल और टीचर को मारी गई गोली। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाके में पसरा खौफ, गोलीबारी के बाद फरार हुए आतंकवादी। आतंकी हमले के बाद छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर का स्कूल, सेना और पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान। आतंकी हमले में मारे गए दोनों शिक्षकों के घर में मातम, श्रीनगर के आलोची बाग में रहने वाली थी प्रिंसिपल सतेंद्र कौर। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। साजिश को नस्तनाबूद करना होगा, इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। स्कूल पर आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर में भड़का गुस्सा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पाकिस्तान को चुकानी होगी कीमत। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या के बाद बढ़ा बवाल, जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में भी कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, सरकार से कश्मीर घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घरवालों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे में आतंकियों ने 5 लोगों की ली जान, मंगलवार रात 1.5 घंटे में 3 लोगों की हत्या। कश्मीर में हालिया आतंकी वारदातों को लेकर गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक, एनएसए अजीत डोवाल भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की फायरिंग में एक संदिग्ध की मौत, ड्राइवर फरार, मोंगल ब्रिज पर चेकिंग के लिए नहीं रुकी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी। पुलिस के मुताबिक नाका पार्टी पर मौजूद जवानों पर की गई गाड़ी चलाने की कोशिश, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 3 बहनों के घर पर आयकर की छापेमारी, पुणे और कोल्हापुर में कार्रवाई। महाराष्ट्र में बारामती में इनकम टैक्स की रेड, डिप्टी सीएम अजीत पवार की करीबी पर कसा शिकंजा। जलंधेश्वर शुगर मिल में मामले में हुई गिरफ्तारी, अजीत पवार ने बताया राजनीतिक रंजिश का नतीजा। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देश को सौंपे 35 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर फंड के तहत हुआ निर्माण।
राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी के 20 साल पूरे, खास मौके पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए। उधम सिंह नगर में किसानों के उग्र प्रदर्शन की वजह से रद्द हुआ कैबिनेट, अरुण पांडे का दौरा, वर्चुअल मोड से किया स्टेडियम का शिलान्यास। झांसी के एक प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाती हुई छात्रा का वीडियो वायरल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप। वलसाड में बच्चा चोरी के आरोप में महिला को लोगों ने बुरी तरह पीटा, नवसारी में भीख मांगने वलसाड आई थी महिला, मॉब लिंचिंग का केस दर्ज। इंदौर में बच्चों का अपहरण कर भीख मंगवाने वाली महिला गिरफ्तार, 5 बच्चों को मुक्त कराया गया। यमुनानगर में दुकान से घर लौट रहे कारोबारी की गला काटकर हत्या, कार में मिला शव। फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ चित्रकूट में निचली अदालत का बड़ा फैसला, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित 15 लोगों पर लूट और हत्या का मामला दर्ज। 31 मार्च को हुआ था फेक एनकाउंटर, पुलिस ने किया था भालचंद्र यादव नाम के युवक को इनामी डकैत बताकर मुठभेड़ में मार गिराने का दावा। धनबाद में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिरने से हड़कंप, 4 लोगों की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। धौलपुर में दिन दहाड़े दफ्तर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ, मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक ले गए चोर। जोधपुर में युवक का अपहरण कर 70 लाख की फिरौती मांगने वाले गैंग का पर शिकंजा, महिला सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर चढ़ाई गोली, एनकाउंटर में घायल बदमाश को पुलिस ने दबोचा। कोलकाता में घर में लटका मिला युवक का शव, कान में लगा था हेडफोन, पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से परेशान था युवक। पुष्कर में फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी, विदेशियों को शिकार बनाने वाले 18 लोग गिरफ्तार, रोजाना करीब 2.5 लाख की ठगी करने का आरोप। चेन्नई में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए सिपाही ने दिखाई जांबाजी, कार के बोनट पर चढ़कर रोका अपराधियों का रास्ता। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार 5वें दिन इंटरनेट सेवा ठप, 2 पक्षों में विवाद के बाद भड़का था तनाव। असम के बोगाई गांव में 4 डकैत गिरफ्तार, दुर्गा पूजा में थी लूटपाट की वारदात करने की साजिश। मुंबई में जोरदार बारिश के दौरान स्कूल बिल्डिंग पर गिरी बिजली, फर्नीचर और उपकरण जलकर खाक। मध्यप्रदेश के मुरैना में अवैध हथियार तस्करी के गैंग का खुलासा, 20 हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। सोनीपत में यमुना नदी में बरामद हुआ छात्र का शव, अमावस्या पर यमुना में स्नान के लिए गया था केशव। झारखंड के कोडरमा में डंगरा पहाड़ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात में शराबबंदी के बीच सूरत में शराब की हाई प्रोफाइल पार्टी, 6 महिलाओं समेत 25 गिरफ्तार। बिहार को मिला महिला कमांडो का पहला दस्ता, 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के सीआरपीएफ सेंटर में दी गई ट्रेनिंग। मेरठ में मनाया गया आरएएफ का 29वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवानों का बढ़ाया हौसला।